गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल यू इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ बिशप अकेडमी महाराजगंज। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। टूडे योर टॉपिक इज क्यूब ऑफ पॉलीनोमियल्स। क्यूब ऑफ पॉलीनोमियल्स, योर फर्स्ट फार्मूला ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। सेकेंड, ए माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी। दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे। सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस आइडेंटिटीज। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एक्सपेंड फोर ए प्लस फाइव बी होल क्यूब। एक्सपेंड फर्स्ट पार्ट फोर ए प्लस फाइव बी होल क्यूब, तो इसको डायरेक्ट फार्मूले का यूज कर लेंगे आप। ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब दैट इज फोर ए होल क्यूब प्लस बी क्यूब फाइव बी होल क्यूब प्लस थ्री ए बी, थ्री टाइम्स ए, ए का वैल्यू क्या है फोर ए इंटू बी दैट इज फाइव बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी, फोर ए प्लस फाइव बी, फोर ए होल क्यूब सिक्सटी फोर होल क्यूब सिक्सटी फोर ए क्यूब, इसको ब्रेक करेंगे तो वैल्यू आएगा वन ट्वेंटी फाइव बी क्यूब प्लस थ्री फोर जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटीन ए बी इन ब्रैकेट फोर ए प्लस फाइव बी। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, सिक्सटी फोर ए क्यूब प्लस वन ट्वेंटी फाइव बी क्यूब प्लस सिक्सटी फोर जा टू फोर्टी ए स्क्वायर बी, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर लें प्लस थ्री हंड्रेड ए बी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, थ्री ए माइनस टू बी होल क्यूब, थ्री ए माइनस टू बी होल क्यूब दूसरे वाले फार्मूले से रिलेटेड है। ए माइनस बी होल क्यूब, इसको आप लिख सकते हैं ए क्यूब दैट इज थ्री ए होल क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस टू बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी, तो माइनस थ्री ए का वैल्यू क्या है थ्री ए इन टू बी, बी का वैल्यू क्या है टू बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी दैट थ्री ए माइनस टू बी, ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन ए क्यूब टू इंटू टू इंटू टू एट बी क्यूब माइनस थ्री थ्री जा नाइन, नाइन टू जा एटीन ए बी इन ब्रैकेट थ्री ए माइनस टू बी, इसको भी ब्रेक कर लें ट्वेंटी सेवन ए क्यूब माइनस एट बी क्यूब माइनस फिफ्टी फोर ए स्क्वायर बी प्लस थर्टी सिक्स ए बी स्क्वायर, ये रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई वन बाय एक्स प्लस वाई बाय थ्री होल क्यूब
नेक्स्ट एग्जांपल, 1 बाय एक्स प्लस वाई अपॉन 3 होल क्यूब। इसको भी आप इसी फार्मूले से ब्रेक करेंगे, ए प्लस बी होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं हम, ए क्यूब दैट इज 1 बाय एक्स क्यूब प्लस वाई अपॉन 3 होल क्यूब प्लस 3ab, ए का वैल्यू है 1 बाय एक्स इंटू बी का वैल्यू वाई बाय 3 इन ब्रैकेट ए प्लस बी दैट इज 1 बाय एक्स प्लस वाई बाय 3, 1 बाय एक्स प्लस वाई बाय 3। ब्रैकेट को ओपन कर लिया जन, 1 बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाय 27 प्लस 3 से 3 कैंसिल, वाई बाय एक्स इन ब्रैकेट 1 बाय एक्स प्लस वाई बाय 3। यहाँ भी ब्रैकेट को ओपन कर ला, 1 बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई 27 प्लस वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन 3x, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई एग्जाम्पल नंबर 3, अरस अग्रवाल। सिंप्लीफाई टू एक्स माइनस फाइव वाई होल क्यूब, टू एक्स माइनस फाइव वाई होल क्यूब माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई होल क्यूब, टू एक्स प्लस फाइव वाई होल क्यूब। अभी आगे देखा जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, लेकिन वो फार्मूला भी नहीं बताया गया है। अभी इस फार्मूले से इसको ब्रेक करें, ये आपका कौन सा फार्म है, ए माइनस बी होल क्यूब, इस वाले फार्मूले से ब्रेक हो जाएगा, जबकि यह ए प्लस बी होल क्यूब। इसको ब्रेक करें, ए क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब टू एक्स क्यूब माइनस फाइव वाई क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू 2x इंटू 5y इन ब्रैकेट a माइनस बी दैट इज 2x माइनस 5y। ऐसे सेकेंड वाले को ब्रेक कर लें, a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में हम, तो इसको आप लिख सकते हैं 2x क्यूब प्लस 5y क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 2x इंटू 5y इन ब्रैकेट a प्लस बी 2x प्लस 5y। ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए, 2x क्यूब दैट इज 8x क्यूब माइनस 5y होल क्यूब 125y क्यूब, 3 टू जा 6, 6 5 जा 30 माइनस 30 एक्स वाई इन ब्रैकेट 2x माइनस 5y माइनस 2x होल क्यूब 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब प्लस 30xy इन ब्रैकेट 2x प्लस 5y। ब्रैकेट को ओपन कर ला, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस, मल्टीप्लाई करके लिख रहा है, 32 जा 60 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर माइनस, क्या मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 8 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस 32 जा 60 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 150 एक्स वाई स्क्वायर। उस टर्म में यहाँ कैंसिल होंगे, 150 एक्स वाई स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, 8x क्यूब से कैंसिल होगा और कोई टर्म नहीं कैंसिल होंगे, यह हो जाएगा 125y क्यूब माइनस 125y क्यूब, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 250y क्यूब माइनस 60x स्क्वायर वाई माइनस 60x स्क्वायर वाई
तो माइनस 120 ई एक्स स्क्वायर वाई। इसमें से कुछ कॉमन भी कर सकते हैं, ये ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, फैक्टराइज एग्जाम्पल नंबर 4। फैक्टराइज फर्स्ट है 8a³ + b³ 12a² b + 6ab² 6ab² तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसका इसको एडजस्ट किया जाए इस वाले फॉर्म से। 8a³ इसको लिख सकते हैं 2a³ + b³³ + 3ab, 3a का वैल्यू क्या है 2a × b, b का वैल्यू क्या है b ही, इन ब्रैकेट a + b (2a + b), या मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 3 × 6 6ab × 2a 6 × 12a² b, यह टर्म मिल जाएगा। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ab² यह टर्म मिल जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ से इस फॉर्म में आ रहा है a³ + b³ + 3ab (a+b), तो इसको लिख सकते हैं 2a + b³। इस फार्मूले से ये इसका फैक्टर हो जाएगा। सेकंड, -64a³ - 27b³ - 144a³ - 7b³ - 144a² - 108ab² तो इसमें देख सकते हैं q वाला टर्म एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, यानी a³ - b³ का फार्मूला है। तो इसको आप लिख सकते हैं हम 4a³ - 3b³ (a³ - b³) - 3ab, तो -3, a का वैल्यू क्या है 4a × b, b का वैल्यू क्या है 3b (a+b) (a-b), दैट इज 4a - 3b। यहाँ इसको चेक कर सकते हैं 3 × 4 = 12 12 × 3 = 36 36 × 4 144a² b, यह टर्म मिल जाएगा। इसका जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 36 × 3 = 108 - - + a² हो जाएगा, यानी ये आपका यह फॉर्म बन रहा है a³ - b³ - 3ab (a-b), इसको आप लिख सकते हैं 4a - 3b³, ये रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फैक्टराइज एग्जांपल नंबर 5
फैक्टराइज फर्स्ट पार्ट, 1 माइनस 64 ए क्यूब, 1 माइनस 64 ए क्यूब माइनस 12 ए माइनस 48 ए स्क्वायर प्लस 48 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं 1 क्यूब, 64 ए क्यूब इसको लिख सकते हैं 4 ए होल क्यूब। फार्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी। तो माइनस 3 टाइम्स ए, ए का वैल्यू क्या है 1 इंटू बी, बी का वैल्यू क्या है 4 ए इन ब्रैकेट ए माइनस बी, निगेटिव टर्म आ रहा है यानी इस फार्म में एसेट होगा इन ब्रैकेट ए माइनस बी दैट इज 1 माइनस 4 ए। इसको चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, 3 4 जा 12, 12 ए यह टर्म मिल जाएगा, 3 4 जा 12, 12 इंटू 4 ए तो 12 4 जा 48 ए स्क्वायर सेकेंड टर्म मिल जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी दैट इज 1 माइनस 4 ए होल क्यूब, यही रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6 सेकंड पार्ट, 27 पी क्यूब, 27 पी क्यूब माइनस 9 अपॉन 2 पी स्क्वायर, 9 अपॉन 2 पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पी माइनस 100 प्लस 1 अपॉन 4 पी माइनस 1 अपॉन 216, 1 अपॉन 216। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इसको 3 पी होल क्यूब माइनस 1 अपॉन 216, इसको 1 बाय 6 होल क्यूब लिख सकते हैं हम। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म है, अब क्या होगा माइनस 3 ए बी, तो माइनस 3 ए, ए का ए वाला टर्म क्या है 3 पी इंटू बी, बी के जहाँ पर क्या है 1 बाई 6 इन ब्रैकेट ए माइनस बी दैट इज 3 पी माइनस 1 बाई 6। इसको चेक कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 बाय 6, 3 से 6 कैंसिल करना 2 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 बाय 2 पी स्क्वायर यटर मिल जाएगा। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू पी दैट इज पी बाय 4, ये सेकंड टर्म मिल जाएगा। यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं हम 3 पी माइनस 1 बाय 6 होल क्यूब। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 7 सिंप्लीफाई x प्लस वाई होल क्यूब, x प्लस वाई होल क्यूब माइनस x माइनस वाई होल क्यूब, x माइनस वाई होल क्यूब माइनस 6y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 6y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको सपोज कर लिया जाए, लेट या डायरेक्ट कर रहा है
या तो है ए क्यूब का फॉर्म x प्लस वाई होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब माइनस थ्री ए बी, जहाँ माइनस आ गया वहाँ पर आप क्या टर्म आएगा माइनस थ्री ए बी, तो थ्री ए, ए का वैल्यू क्या है x प्लस वाई, एंड b, b का वैल्यू क्या है x माइनस वाई, इन ब्रैकेट a माइनस बी, इन ब्रैकेट a माइनस बी दैट इज x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। यहाँ पर इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, y प्लस वाई टू वाई, टू वाई इंटू थ्री, थ्री टू जस्ट सिक्स वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। यानी इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं, हम अभी कौन सा फॉर्म बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री टाइम्स ए इंटू बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस वाई ए माइनस बी होल क्यूब, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब। या ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, टू वाई, वाई प्लस वाई टू वाई होल क्यूब दैट इज एट वाई क्यूब, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।